नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम ताज़ा समाचार में आपका स्वागत है। राजस्थान में मौसम का मिजाज अभी प्रदेशवासियों पर मेहरबान है। यहां प्री मानसून की गतिविधियां जारी हैं। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली हुई है। वहीं मौसम विभाग ने आज फिर कुछ इलाकों में हवाओं के साथ हल्की व मध्यम गति की बरसात की संभावना जताई है। शुक्रवार यानी कि 25 जून से ये सारी गतिविधियां बेहद ही कम हो जाएंगी और कुछ दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। तो दोस्तों, मौसम विभाग के द्वारा भी यह चेतावनी दे दी गई है कि अभी पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहने वाला है, यानी कि पूरी तरह से झमाझम बरसात नहीं होने वाली है, कुछ दिन इसमें और लगने वाले हैं। राजस्थान मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार अगले दो दिन कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से राजस्थान में मौसम अपेक्षाकृत साफ हो जाएगा, जिसका असर कम से कम 3 से 4 दिन जारी रहेगा। विभाग के अनुसार प्रदेश में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। मानसून की उत्तरी सीमा बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से गुजर रही है। मौजूदा परिस्थिति के अनुसार आगामी 1 सप्ताह से 10 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। हालांकि अगले 48 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना है। 25 जून से आगामी 1 सप्ताह के दौरान प्रदेश के ज़्यादातर भागों में मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना मौसम विभाग के द्वारा व्यक्त की गई है। दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताज़ा खबर सबसे पहले इस चैनल पर अपडेट की जाती है, इसलिए अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तथा राजस्थान के किस जिले से आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मौसम की सटीक जानकारी लेकर। धन्यवाद।